सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गोडेक्स की सारी लाइट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो आज वो वीडियो का टाइम आया है जब हम बात करेंगे गोडेक्स की AD600 जो लाइट है। आप चाहे AD600 यूज करो, चाहे प्रो जो अभी लेटेस्ट आई है वो यूज करो, दोनों का पावर सेम है 600 वाट का। प्रो के अंदर कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो आप चाहे तो ये लाइट परचेस कर सकते हैं 600, या फिर प्रो आप परचेस कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। सो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट ये दिखाने वाला हूं कि 600 का ETTL मोड और मैनुअल मोड किस तरीके से वर्क करता है, और आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक आउटडोर खुला जो मैदान है, आप अगर प्री वेडिंग शूट करते हैं तो उसके अंदर 600 आपको कितनी ज्यादा आपको बेनिफिट दे सकती है। सो मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR Academy, जहां पर आप फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और फोटोशॉप रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा आपका चॉइस है। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसके आंसर देने के लिए हम रेगुलरली लाइव आते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और लाइव हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके इमीडिएट आपको आंसर मिल सके। और अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, डेफिनेटली उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। और बने रहना इस चैनल के साथ जिसका नाम है DSLR Academy। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर 600 लाइट के बारे में, कि सबसे पहली चीज कि ये लाइट कंप्लीटली प्रोफेशनल लाइट है, कि अगर आप एक प्री वेडिंग शूट करते हैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर जाएं तो 600 पर जाएं। इससे लोअर बजट की या लोअर पावर की लाइट लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि प्री वेडिंग कब करना है, कहाँ करना है और कौन सी लाइटिंग में करना है, ये हम लोकेशन पर जाकर चूज करते हैं। बट वहां पर अगर हमारे पास लाइट का पावर कम हो गया तो रिजल्ट्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फिर एडिटिंग के अंदर सॉल्यूशन करना पड़ता है। आप एडिटिंग के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो लाइट परचेस कीजिए गोडेक्स 600 प्रो या गोडेक्स 600, वो चॉइस आपकी है। आपको अगर इसके ऊपर डिटेल चाहिए या लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप कहां से आप इस लाइट को परचेस कर सकते हैं। तो मेन चीज आ जाती है कि इसका पावर कितना है। सबसे पहली चीज कि ये इंडोर में तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे ही देती है, कि इंडोर अगर आप शूट करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। बट अगर डे टाइम में आपको अगर शूट करना है तो कैसे रिजल्ट कैप्चर होंगे, ये मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। सो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि मैं कैमरा की क्या सेटिंग रख रहा हूँ, TTL मोड पर मेरे को ये क्या आउटपुट देता है और मैनुअल मोड पर मेरे को ये क्या आउटपुट देता है। देखो, फोटोग्राफी आपको खुद को करनी होगी। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इस लाइट का आउटपुट और कैसे आप इमेजेस बेहतरीन कैप्चर कर सकते हैं वो मेथड बता रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपने लाइट परचेस करी ये वीडियो देखने के बाद तो आपको कितने बेहतरीन रिजल्ट्स मिले आपके प्री वेडिंग या मॉडल शूट, आप कुछ भी करें उसमें। सो गाइस, सबसे पहला मैं शूट कर रहा हूँ, मैं मेरा मोड चेंज कर देता हूँ यहाँ से, कि मेरा सी है तो मैं इसको जीरो पे TTL मोड पर मैंने शिफ्ट कर दिया। इसको सी में मेरा ये जीरो है, यहाँ पर एक्सपोजर कंपनसेशन मैंने फ्लैश एक्सपोजर जीरो रखा है, और अब मैं कैप्चर कर रहा हूँ 2.8 अपर्चर पर 7200 मेरा लेंस है, देन मार्क 4 पर मैं कैप्चर करने वाला हूँ। मेरे पास लाइटिंग बहुत अच्छी है तो मेरा ISO 100 ही है। कर रहा हूँ AV मोड पर, ये जैसे ही मैंने फ्लैश फोटोग्राफी पे इमेज कैप्चर किया, चिन अप फेस अप, यस गुड। सो अब आप देखिए मेरे को कितना बेहतरीन रिजल्ट मिला है। अब यहाँ पर ETTL मोड पर थोड़ा सा एक्सपोजर वेरिएशन करना बहुत इजी है, कि मेरे को अवेलेबल लाइट थोड़ी सी डार्क करनी है, मैंने एक्सपोजर कंपनसेशन माइनस किया एंड देन अगेन क्लिक। अब आप देखें कि कितना बेहतरीन रिजल्ट मेरे को मिला है। अब मैं आपको कुछ क्लिक्स करके दिखाता हूँ इसी पैटर्न पे। So, ये कुछ इमेजेस आप देख पा रहे हो जो मैंने TTL मोड पर कैप्चर करी हैं आपके लिए। उसमें कई बार मैंने
एवी मोड पर टीटीएल मोड पर कैप्चर किया है। कैमरे का मोड मेरा एवी था और फ्लैश मोड मेरा टीटीएल मोड था, जिसके अंदर जैसे मैंने इमेज कैप्चर करी, फर्स्ट इमेज आप जो देखा उसके अंदर आपको क्या दिख रहा था, बैकग्राउंड क्लियर दिख रहा था, बट मेरे को बैकग्राउंड थोड़ा डार्क चाहिए था ताकि मेरा सब्जेक्ट जो है, जो मेरी मॉडल है, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड से उठकर आए। तो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर कंपनसेशन मैंने डाउन किया। अगर आपको अवेलेबल लाइट के एक्सपोजर कंपनसेशन में प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं ताकि आपको कैसे उसको यूज करना है वो आपको पता लगेगा। बट यहां पर मैंने सिर्फ अवेलेबल लाइट एक्सपोजर चेंज किया, टीटीएल मोड ही फ्लैश का रखा और सिर्फ मैंने फायर किया और मेरे को बेहतरीन रिजल्ट्स मिल गए। ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब आप सिंपल मॉडल शूट करते हैं तो आप मॉडल या फिर प्री वेडिंग शूट करते हैं, लाइटिंग आपको आपके अकॉर्डिंगली सेटअप करनी है और आप रिजल्ट्स कैप्चर कर सकते हैं। ये तो बात रही कि टीटीएल मोड के ऊपर। अब मैं शिफ्ट होता हूं मैनुअल मोड के ऊपर कि अगर मेरे को पावर वेरिएशन करना है तो मेरे हाथ में कंप्लीटली है कि मैं इसका 1:1 मतलब एकदम फुल पावर तो मैं कितना हाई सिंक ले जाके इसको शूट कर सकता हूं 8000 के शटर पे भी, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, क्योंकि इसका पावर जो है 600 वाट सेकंड का 1:1 पर वो सबसे पावरफुल है जितनी भी बैटरी बैकअप लाइट्स है गोडेक्स की उसके अंदर, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ये 600 लाइट के बारे में मैंने आपको अभी इन्फॉर्मेशन दी, सबसे बेस्ट फॉर प्री वेडिंग। आप इसको जैसे मॉडिफाई करना चाहो, फुल पावर पे करना चाहो, पावर कम करना चाहो, टीटीएल मोड, मैनुअल मोड, हर तरीके से आप इस लाइट को यूज़ कर सकते हो और बहुत बेहतरीन इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। ये कुछ इमेजेस आपने देखी जो मैंने कुछ टीटीएल मोड पे कैप्चर करी है, कुछ मैंने मैनुअल मोड पे कैप्चर करी है। सो हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप 600 लाइट फॉर प्री वेडिंग, स्पेशली अगर आप डे टाइम पे या इवनिंग टाइम पे, कोई भी टाइम पर आप अगर यूज़ करते हैं, 600 लाइट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छा पावर मिल जाता है सबसे पहली चीज़। और कभी आप पावर कम करना चाहो तो मैनुअल मोड पे आपके पास ऑप्शन है कि पावर का वेरिएशन आप कर सकते हो कि आपको 2.8 अपर्चर पर शूट करना है, डे टाइम पर आपको अगर एकदम हैवी लाइट चाहिए तो आप, उसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बना कर दूंगा मैं आपको, कि अगर आपको बहुत पावरफुल लाइट अगर चाहिए तो आप 1:1 पावर करके डे टाइम में बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे इफेक्टिव फोटोग्राफी के लिए आपको अगर लाइटिंग अगर डे टाइम के लिए चाहिए तो वो है Godox AD 600 वॉट सेकंड की जो लाइट है, वो आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आपको वो परचेस करनी है फॉर प्री वेडिंग। सो थैंक यू सो मच, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई, होप सो आपको पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आई है और अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा। और 600 से रिलेटेड और भी कई वीडियोस आएंगे तो बने रहना इस चैनल के साथ जिसका नाम है DSLR Academy। और याद रखिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि वहां से आपको वर्कशॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मैं हूं ध्रुविंजन फ्रॉम DSLR Academy।